ही अपने माँ बाप के ऊपर रहम करें, फारग ना बैठें, ये ना देखें कि मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ हूँ, मैं बाहर से, जैसा ये भाई साहब माशाल्लाह मलेशिया से आए हैं और सिर्फ कोविड-19 की वजह से वापस नहीं जा सके और बड़े वेल ऑफ थे, लेकिन फिर भी इन्होंने रिक्शा भी चलाया, फिर इन्होंने 1.5 लाख से छोटी सी दुकान स्टार्ट की। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वसीम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अच्छा तो व्यूअर्स, आज मैं एक ऐसे इसराइल आलमगीर के टैलेंटेड, इनको टैलेंटेड ही हम बोलेंगे क्योंकि मैंने तो इनको शुरू से, जब से इन्होंने स्टार्ट की है शॉप, तो मैं इनको देखता आ रहा हूँ। माशाल्लाह 1.5 लाख रुपये से इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और आई रिमेंबर के ऑन दैट टाइम मैंने भी इनकी शॉप से शॉपिंग की थी और बहुत कम माल था इनके पास। 1.5 लाख रुपये से इन्होंने अपनी शॉप स्टार्ट की और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख रुपए का हाल ही इनके पास पैम्पर पड़ा हुआ है और कम से कम 7.5 लाख रुपए का इनके पास माल पड़ा हुआ है और इन्होंने अपनी तरफ से और कोई पैसा नहीं डाला, उसी को रीजनरेट करते रहे हैं, री इन्वेस्टमेंट करते गए हैं और आज माशाल्लाह एक इनकी ये दुकान है, बाय स्टॉल है और बहुत अच्छी अर्निंग हासिल कर रहे हैं। और ये उन बंदों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए एक मोटिवेटेड जो स्टोरी है कि जिनके पास 1.5 से 2 लाख रुपया मौजूद है और वो जॉब ढूंढ रहे हैं आगे पीछे, कहीं रिश्वत दे के जॉब लेना चाह रहे हैं, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें एंड ही इज़ अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। जी हाँ, हर मंथ माशाल्लाह 1 लाख रुपए तक ये जो है वो कमा रहे हैं और अपने बॉस खुद हैं, किसी के अंडर काम भी नहीं कर रहे। तो अभी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुलमान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वसीम भाई, ठीक ठाक जी। अच्छा, सबसे पहले मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रो बताएं कि आप इससे पहले आई थिंक अब्रॉड थे किसी कंट्री में। जी, मैं मलेशिया था 4 साल और वापस आया हूँ। आके इधर रिक्शा भी चलाया है मैंने, 1.5 साल रिक्शा चलाया है। फिर ये शॉप का मेरा ज़ेहन बना है, मेरा एक दोस्त है उस्मान, उसने मुझे इस तरफ गाइड किया कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करो, तो मैंने ये स्टार्ट किया। आप पहले आते रहे, आपने देखा है कि मेरे पास क्या था इधर, अब आप अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं तो आपने देखा है कि मेरे पास क्या कुछ नहीं है, अभी सब कुछ है इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से और बहुत ही अच्छा काम है ये। आप अपना स्टार्ट करें, किसी के पास करने से बेहतर है, थोड़े पैसों से भी आप करें, अपना करें, उसमें बरकत है। जी ज़बरदस्त। अच्छा, एक तो मैं क्योंकि एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, आपने खुद ही आंसर दे दिया। पहले मैंने आपको देखा कि आप जब बाहर से आए तो आपने रिक्शा लिया, तो 1 साल आई थिंक आपने रिक्शा चलाया, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रिक्शे का काम आपको ठीक लगा या ये वाला काम ठीक लगा? जी, रिक्शे से ये बहुत बेहतर है, रिक्शे में कोई रिस्पेक्ट नहीं है बंदे की, वो वहाँ पे आप जो भी करें, 10,000 भी कमाएं तो वो समझ लें कि आपकी इज्जत नहीं है। कोई भी आएगा आपको बोलेगा यहाँ से जाने दो, यहाँ नहीं खड़ा करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, झगड़ा है उसमें, रोज़ाना ही झगड़ा है तकरीबन। इसमें आप इज्जत के साथ बैठ गए हैं, एक दफ़ा एक साल आपका मुश्किल होगा, 1.5 साल मुश्किल होगा, उसके बाद आपने अर्निंग ही करनी है बस अल्लाह के हुक्म से। जब आपकी गुडविल बन जाएगी, कस्टमर आपके बन जाएंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपसे जो मेरी ऑफ द कैमरा जो बात हो रही थी, जिसमें आप मुझसे डिस्कस मुझे बता रहे थे कि जब आपने ये इनिशियल स्टेप ले लिया, डिसाइड कर लिया कि आप अपनी ये शॉप ओपन करेंगे, तो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था और जिससे आप पूछते थे वो आपको गाइड ही नहीं था कर रहा, वो क्या सीन है, वो मुझे थोड़ा सा बताएं व्यूअर्स। जी भाई, वो ये सीन है कि आप किसी से भी पूछेंगे ना मार्केट कहाँ है, वो आपको डायरेक्ट नहीं बताएंगे, यही बताएंगे कि लाहौर में चले जाओ। लाहौर में अब कहाँ, लाहौर छोटा सा तो नहीं है। ठीक है। तो इसका बड़ा इशू बना मेरे लिए थोड़ा सा, मगर कुछ भी नहीं, अल्लाह के हुक्म से मैंने खुद ही जाके सर्च की है। जब आपने काम करना हो आप सर्च करें, आपको सब कुछ मिल जाता है। मैंने खुद जाके फैसलाबाद की मार्केट टच की, लाहौर की, अभी रिसेंटली मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। जहाँ भी आप जाएंगे आपको मिल ही जाएगा होलसेलर कहाँ बैठे हुए, आपने बस होलसेलर से माल लेना है, यहाँ आके जो आपका बिल्कुल मुनासिब प्रॉफिट हो उसमें दें, कस्टमर आपके पास खुद आएगा। अच्छा, आप ये चीज़ आप हमारे साथ तो नहीं करने लगे? नहीं, आप माशाल्लाह बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। अच्छा, अभी हम स्टार्ट ही इधर से करते हैं। मुझे ये बताएं, अगर जिस तरह आपने माशाल्लाह 1.5 लाख रुपये से स्टार्ट किया, मेरा एक व्यूवर अगर वो स्टार्ट करना चाहे, सबसे पहले उसने 1.5 लाख रुपया जेब में रखा, पहले तो एक छोटा सा स्पॉट देख लिया कहीं पर भी, ठीक है जी, 1.5 लाख रुपया उसने जेब में रखा,
कहाँ जाए और कहाँ से जाके वो सारा माल अच्छी प्राइस के ऊपर लेकर आए? जी अगर देखें अभी सर्दी का सीज़न है, एक एक दो महीने अभी हैं, अगर ख़त्म होने वाले हैं तो गर्मी में शुरू करता है तो लाहौर जाए, ठीक है, लाहौर जाए या फैसलाबाद चला जाए। बेहतर यह है कि लाहौर हमें नज़दीक है, लाहौर चला जाए। लाहौर में शालमी है, रंग महल है, ठीक है, यहाँ से जाके होलसेलरों से माल, एक शॉप से कभी भी माल ना ले, घूम फिर के सबसे माल ले, आके कोई भी स्टॉल लगाए, किसी शॉप के बाहर स्टॉल ले ले छोटा सा, उधर माल रख के बेचे, इधर बिक जाता है, पत्थर भी हो वो भी बिक जाते हैं, बिक जाता है। ये चीज़ आपने अच्छी बताई है। अच्छा जो मेरा नेक्स्ट, हमेशा आप यही कह रहे हैं कि मेरे अगले सवाल का जवाब पहले से ही दे रहे हैं माशाल्लाह, अगला सवाल मेरा यही होना था कि अगर किसी के पास अगर बिलफर्ज शॉप नहीं है, क्योंकि नाउ अडेज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर एक शॉप सारी ऑक्यूपाइड होती हैं, अगर शॉप नहीं मिलती तो क्या बाहर कुछ छोटा मोटा स्टॉल लगा कर भी ये काम किया जा सकता है, और अगर स्टॉल लगाया जाए तो उसमें कितना पे ऑफ करना पड़ता है उनको? जी अगर स्टॉल लगाएं तो मिनिमम, अगर मेन कहीं स्ट्रीट में है तो कम से कम 10,000 रुपये उनका रेंट होगा स्टॉल का, और उन्हें मंथली वो तकरीबन जो है 50,000 1,00,000 तक सेल करेंगे, उसमें बचेगा भी उनको, और वैरायटी भी वो वैसी लेके आएंगे जैसे पटे वाली होती है, मगर ये है कि उन्हें बहुत अच्छा मार्जिन होगा, हमसे ज़्यादा पैसे कमाएंगे वो बाहर, क्योंकि बाहर ज़्यादा वर्किंग कस्टमर ज़्यादा होते हैं, और इवन कस्टमर की ये थिंकिंग भी होती है कि जो बाहर स्टॉल लगा के बैठा हुआ है वो सस्ता बेचेगा, वो इसकी एक ऑटोमेटिक, बेशक वो ज़्यादा महंगी दे दे लेकिन कस्टमर की एक थिंकिंग होती है कि यार बाहर वाला सस्ता होगा। तो व्यूवर्स ये चीज़ है कि अगर आपके पास 1,50,000 रुपये है, मैं कितनी बार ये कह चुका हूँ कि आपको जॉब्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री सलमान भाई बेसिकली अंडर डेवलप कंट्री है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और पिछली जो एक रिसर्च आई है कि पिछले साल 7.5 लाख यंगस्टर्स माइग्रेट कर चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जॉब्स के लिए, तो अगर आपने 8-10 लाख लगा के बाहर धक्के खाने हैं, उससे बेहतर ये है कि आप 1.5-2 लाख रुपये इधर लगाएं और अपना एक सेटअप स्टार्ट करें, विद स्पेंडिंग ऑफ टाइम आपका अगर पाकिस्तान के अंदर रह के रोज़गार बन जाता है, बाहर कितनी जो आपको तनख्वाह मिल जाएगी, 20,000-40,000-50,000 आपको बच जाएगा, कोई सारी बात है वहाँ पर खर्चे भी हराजात भी होते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर आप 1.5 लाख रुपया लगाते हैं, जैसे आप माशाल्लाह 1.5 लाख रुपया लगा के आप 1 साल के अंदर अंदर आपने 7.5 लाख रुपए का माल यहाँ पे भर लिया है, उसी के अंदर से अब करंटली अगर हम देखें कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हैं, कितनी आपकी इनकम हो रही है पर मंथ, एक रफली अगर एवरेज देखी जाए तो, या मैक्सिमम बता दें। जी एक रफली यही हो सकती है कि मैं तकरीबन 1 लाख से ऊपर ही मेरी सेल होती है मंथली, तो ज़ाहिर है सारे अखराजात भी इसी से चलते हैं, तो फिर भी एक साल में इतने करना बहुत मुश्किल होता है, मगर ये है कि आप अगर हिम्मत करें तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं आप कम से शुरू करें, देखें एक साल देखें उसको, फिर एक साल के बाद आपके पास जो बाकी आपने अब्रॉड के लिए पैसे रखे हैं वो भी उसमें इन्वेस्ट करें, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ये जो पॉइंट है ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि अगर आपके पास 1 मिलियन मौजूद है, अगर 10 लाख रुपए आपके पास, तो ज़रूरत नहीं है कि आप सारे का सारा पैसा इसके अंदर लगाएं, आप इनिशियली जैसा सुलमान भाई ने किया था कि आप 1.5-2 लाख रुपया लगाएं, प्रोडक्ट्स लेकर आएं, अगर नहीं चलता तो आपको वो नुकसान भी नहीं होगा, आप उसको रीसेल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाया नहीं होगी। जी आप उसी होलसेल रेट से 10-20 रुपए ऊपर रख के इधर ही बेच दें, हर कस्टमर खुश होकर ले जाएगा, आप अपना मार्जिन ही छोड़ दें, 10-20 रुपए रखें, ये सोचें जो मैंने रेंट दिया हुआ है वो पूरा करना है, या 50 रुपए ऊपर रख के बेचें, कस्टमर ले जाए ज़बरदस्त, और अगर चल जाता है तो वही जो 8 लाख रुपये है 1 साल के बाद उसके अंदर लगाएं, और माशाल्लाह। अच्छा मुझे आप 8 लाख, अगर 8 लाख आपका बैकअप पड़ा हुआ है और आपने 1.5-2 लाख से शुरू कर लिया है, तो इंशाल्लाह आपका ये भी 8 हो जाएगा, और वो भी 8 इसमें डालें तो डबल ही होगा साल में। जी वो आप जी वो 16 लाख से आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने आपकी जो एक साल की जो जर्नी है उसमें से एक चीज़ तो मैंने जो कंक्लूड की है वो मैं व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो मैं अक्सर बताता हूँ जो बिज़नेस आइकॉन्स होते हैं, इवन जिन्होंने बिज़नेस किया वो बताते हैं कि इनिशियली 1-1.5 साल आप कोशिश करें जितना प्रॉफिट मार्जिन आता है, जितना प्रॉफिट आता है उसको स्पेंड ना करें, उसको री इन्वेस्ट करें, दोबारा बिज़नेस के अंदर लगाएं,
हमारे यहाँ पे थोड़ा मसला ये है क्योंकि लोगों को बिज़नेस सिखाया नहीं जाता, तो लोग क्या करते हैं कि जल्दी अगर ज़्यादा मार्जिन आना शुरू हो गया तो जनाब पार्टियाँ रख दी, शादी रख दी किसी की, मकान बना लिया। ये चीज़ें ना करें, अपना एसेट बनाएं, लाइबिलिटी ना बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक बिज़नेस से 10 लाख बच गया बजाय इसके कि आप कार ले लें, अब कार का क्या होगा, उल्टा लाइबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है, पेट्रोल डालना है, रिपेयरिंग करनी है। बेहतर यह है कि उसी 8 लाख को दोबारा इन्वेस्ट करें बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस को एक्सपेंड करें। मैंने जैसा सलमान भाई को देखा कि पहले इनका ये छोटा सा एक दुकान थी और अब इन्होंने माशाल्लाह बाहर भी एक स्टॉल लगा दी है, उसकी थोड़ी स्टोरी सुनाई। माशाल्लाह बाहर आपका भाई भी साथ आपके हेल्प करते हैं, तो उसका कैसा रिस्पांस है आपके पास? जी, बाहर जो है स्टॉल, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारे पास। उसमें जुराबे हैं, टोपी हैं, बच्चों के खिलौने भी थोड़े बहुत रखे हुए थे। मतलब कि जैसा माहौल चलता है वैसी चीज़ें रख लेते हैं, पोनी कैचर, जो जो कस्टमर की डिमांड होती है वो हम लाते हैं, पूरी करते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट में मुझे कोई ऐसी टिप बताएं जो कस्टमर डीलिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि आप ज़्यादा अरसा तो नहीं कस्टमर डीलिंग में रहे, अभी आई थिंक 1.5 साल हुआ है आपको, लेकिन माशाल्लाह आपका जो है ना वो एक्सप्लोयर इतना ज़्यादा, आप बाय भी रह कर आए हैं, तो मुझे ये बताएं कस्टमर डीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हमें हमारे व्यूवर्स को कोई ऐसी टिप दें कि मिसाल के तौर पर किस तरीके से कस्टमर्स को डील किया जाए ताकि कस्टमर आपके बन के रहें, वो मुझे कोई ऐसा गुर अगर आपके पास आए तो व्यूवर्स के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, अगर आप देखें आपके पास एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, हमेशा आप जो भी बेच रहे हो माल वो लेके आए जो इधर किसी के पास ना हो। एक, कस्टमर को वो पसंद आए, दूसरा जब आप बेच रहे हैं नए हैं कस्टमर बना रहे हैं तब आप उनके साथ रेट ना करें। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं एक चीज़ बेच रहा हूँ 500 रुपये की, कस्टमर बोल रहा है नहीं मैं 400 दे रहा हूँ, तो आप ये ना करें कि आप अपना मार्जिन देखें और वो उसको देखें, उसको बोले नहीं मैं नहीं इतने का दे रहा, उसको दे दें, वही कस्टमर है दोबारा आएगा, आपको 1000 भी दे के जाएगा, आपका वो पिछला नुकसान भी पूरा हो जाएगा, मगर कोई भी नुकसान में नहीं देता। मार्जिन इतना होता है कि हम जी थोड़ा मार्जिन कम हो जाता है मगर वो कस्टमर आपका पक्का हो जाता है, वो कहीं भी नहीं जाता, फिर उसको आप पे एतमाद होता है। और दूसरी बात, कोई भी कस्टमर है उसको रेट वो दें कि वो हमेशा आपके पास आता रहे, कहीं आपके पास चीज़ नहीं मिले तो दूसरी शॉप पे भी जाए तो फिर भी आपके पास आए, उसको पता हो कि इधर से मुझे रीजनेबल प्राइस मिल रही है। जिस तरह एवरेज मैं पैम्पर बाकी अपने बच्चों के लेके जाता हूँ तो मोस्टली इन्हीं की शॉप से लेके जाता हूँ। एक तो मुझे वैसे ही पर्सनली इस तरह के जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो ज़रा लगता है, हमारा दिल करता है कि हम उनको सपोर्ट करें, अदरवाइज इनका माशाल्लाह रेट भी बड़ा अच्छा है बाकी मार्केट की निस्बत, तो हमेशा पैम्पर्स भी मैं इन्हीं से अपने जो छोटा यूसुफ है उसके लेके जाता हूँ। अच्छा सर, एंड में बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, ठीक है, और अगर आप इजाज़त दें, जिस तरह आपको लोगों ने गाइड नहीं किया स्टार्टिंग में, मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स को आप गाइड करें, ठीक है, तो अगर आप इजाज़त दें तो आपका नंबर, आपका नाम मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर अगर लिख दूँ तो आप क्या, जो भी मेरे व्यूवर्स अगर आपके साथ रब्ता करें तो क्या आप उनको गाइड करेंगे? जी बिल्कुल, कहीं से भी हो रब्ता करें, मैं उन्हें मार्केट का बताऊंगा, क्योंकि जिसने भी लेना है उसने अपना रिजक लेना है। मेरे साथ इधर बाज़ार में सैकड़ों दुकानें हैं जो अपना रिजक ले रहे हैं, मैं भी अपना रिजक ले रहा हूं, उनसे नहीं छीन रहा, तो इंशाल्लाह उनको गाइड करेंगे अच्छे तरीके से। और कॉल जो है वो बेहतर टाइम पे ही करें जब मैं जाग रहा हूँ, वैसे तो व्हाट्सअप करें, ठीक है, नंबर उनको देंगे, व्हाट्सअप करें, मैं जब भी ये अवेलेबल होऊंगा मैं उनको अच्छे से रिप्लाई दूंगा, मार्केट का भी बताऊंगा। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप उनको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वॉइस मैसेज छोड़ दें, उसके बाद ये आपको आराम से जवाब देंगे, विद इन डे इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। अच्छा, अब इस मैसेज के साथ हम इस वीडियो का अहतमाम करते हैं कि देखें व्यूवर्स, आज कल बहुत महंगाई का दौर है, रिसेशन का दौर है, गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा डिसार्ड हो चुके हैं, ज़रूरत इस अमल की है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको एक राह दिखाई जाए कि अगर आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपए, वो एवरेज हर बंदे के पास होता है, अगर आपके पास इतने मौजूद हैं तो काइंडली अपने माँ बाप के ऊपर रहम करें, फारग ना बैठें, ये ना देखें कि मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ हूँ, मैं बाहर से, जिस तरह ये भाई साहब माशाल्लाह मलेशिया से आए हैं और सिर्फ कोविड 19 की वजह से वापस नहीं जा सके और बड़े वेल ऑफ थे, लेकिन फिर भी इन्होंने रिक्शा भी चलाया
आया, फिर इन्होंने 1.5 लाख से छोटी सी दुकान स्टार्ट की। तो लिहाजा अपने माँ बाप के ऊपर रहम करें, बजाय इसके कि फ्री बैठने के और ये सोचने के कि हमें कोई आएगा अच्छी जॉब देगा, आप 1.5 लाख रुपये से अपना सेटअप स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता देखें, आपकी अगर नीयत साफ़ होगी तो अल्लाह ताला आपको लाजमी आपका रिस्क अता करेगा, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपको हिलजुल करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। फैसलाबाद जाएँ, लाहौर जाएँ, इस्लामाबाद जाएँ, सुलेमान भाई के साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह ये आपके साथ पूरी मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया जी। हूँ असें ना थोड़ियाँ ना छोटी छोटी ना वीडियोस क्लिप्स बनाने जेड़े ना हम तो सामने वह दसने जो समझते थोड़े जरा अच्छे, ताकि जो इंटरव्यू थोड़ी आवाज़ आती होगी ना वीडियो भी चलती रहेगी।